अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर बलोच, ट्रिक्सल मास्टर में खुश आमदीद। दोस्तों, ये आज ही मेरी आईडी सिक्योर पर चली गई है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं कि इसे कैसे उसी टाइम ओपन करना है। आज वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। या मेरी देख सकते हैं पर्सनल आईडी है, जिसका मैं ईमेल हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये सिक्योर पर चली गई अचानक मेरी आईडी। तो इसे कैसे मैंने अब ओपन करना है, तो मैंने सोचा इसी पर वीडियो भी पहले बना लूं, फिर ओपन कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए आपकी भी आईडी सिक्योर पर जाए तो आप किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मैं नई से नई ट्रिक्स देता रहता हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें चलते हैं ट्रिक्स की जानिब। ट्रिक्स मास्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वीपीएन इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सीएम वीपीएन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आपने भी इंस्टॉल करना है। वर्किंग वीपीएन है, इसलिए बाकी वर्क नहीं करते हैं तो बहुत से वीपीएन, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ आपने प्रॉक्सी सिलेक्ट करनी है जापान, ठीक है। आपने यहाँ जापान प्रॉक्सी सेलेक्ट करनी है, तो मैं जापान ऑलरेडी मेरी लगी हुई है तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को तसली से देखा करें, भगाने कोशिश मत किया करें, जल्दबाजी मत किया करें, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर कमेंट करते हो कि यार समझ नहीं आई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो इसलिए वीडियो को तसली से देखें, ठीक है। तो ये मेरा कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कीजिए। तो दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया है मेरा वीपीएन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड। अब आपने ओपन करना है यूसी ब्राउज़र, ठीक है। तो मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो एक बार आप यूसी ब्राउज़र को क्लियर कर दें, ठीक है। डाटा को अगर ऑल क्लियर कर दें तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, आप भी इसे क्लियर कर लेना। ठीक है, क्लियर। वीडियो को तसली से देखना दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब हम इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं और फेसबुक ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, सिक्योर पर चली गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो भी बना दूं, ट्रिक बता दूं, ताकि आपके काम आ सके, आप अपनी आईडीज़ ऑन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, मेरी आईडी यूसी में ऑन हुई है और ये देखें सिक्योर पर है, ठीक है। अब मैं अगेन वीपीएन ऑन करता हूँ। वीपीएन उस वक्त मैंने ऑफ़ कर दिया था आईडी ऑन करने के लिए, वो मैंने लाइट में दिखाया था आपको। तो अब मैं अगेन वीपीएन ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया है, जापान प्रॉक्सी लगाई है, ठीक है। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने सिक्योर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सिक्योर पे अब क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा ऑलरेडी इसमें नंबर लगा हुआ है, डायरेक्ट उसमें कंफर्म कोड जाएगा मेरे नंबर पे, और वो कंफर्म कोड मैंने यहाँ लगाना है, तो मेरी आईडी उसी टाइम ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कोड लगाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक कोड दे रहा हूँ, 8976277, 7627।
और कंटिन्यू। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये मेरी आईडी ओपन हो गई है। तो इस तरह आप अपनी आईडी आराम से ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी सिक्योर पर चली जाए तो पहले सिक्योर पे आपने क्लिक नहीं करना, आपने पहले वीपीएन लगाना है, उसके बाद आपने सिक्योर पे क्लिक करना है, ठीक है। जापान प्रॉक्सी लगानी है, उसके बाद ये देखें ये मेरी आईडी ओपन हो गई। अगर आपका यहाँ पहले से नंबर लगा हुआ है तो डायरेक्ट आपको कोड आएगा, अगर नंबर नहीं लगा हुआ तो आपसे नंबर मांगेगा। उसके बाद नंबर देने के लिए आपको पहले प्रॉक्सी को ऑफ़ करना होगा, फिर रिफ़्रेश करेंगे तो आपका वो पाकिस्तान का नंबर मांगेगा। तो आपने कोई भी अपना नंबर देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना, उस पर एक कोड आएगा, वो कोड आपने अपनी आईडी पे लगाना है, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी उसी टाइम, जस्ट नाउ पे आईडी आपकी ओन हो जाएगी। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआओं में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।